सो व्हाट्सअप गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप कुछ इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हो। जी हाँ गाइज, जो कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो, जो कि बैकग्राउंड है बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल ब्लैक है। या जी हाँ गाइज, इससे इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हो गाइज। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे कि भाई ये जो आपने इस वीडियो में बताया ये वर्क नहीं कर रहा, इससे हो नहीं रहा, ये प्रॉब्लम आ रही है काइन मास्टर्स में, ये प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो का बैकग्राउंड ब्लैक हो नहीं रहा है। तो यार, इस वीडियो को आप लोग अगर एंड तक देख लोगे, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और आप बड़ी आसानी से, अगर आपने ये वीडियो देख लिया एंड तक, तो बड़ी आसानी से आप उस तरह का वीडियो भी बना सकते हो। तो बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है अगर आपको इस तरह का वीडियो बनाना है। उससे पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक ना करो तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आए वीडियो एडिटिंग करने में, तो आप मुझसे आ जाओ इंस्टाग्राम पर, वहाँ पे आप मुझसे आके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा 100%। अब बात कर लेते हैं गाइज, जो कि अब आपको वीडियो का बैकग्राउंड ये ब्लैक कैसे करना है। तो उसके लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक जो चीज़ है वो आपका, जो अभी हम मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हो, ये कपड़ा और ये आप इसका कलर देख रहे हो, ब्लैक नहीं है। बस आपको जो आपको बैकग्राउंड का कलर होना है ना, वो आपको ब्लैक रखना है। जी हाँ गाइज, वो आपको ब्लैक रखना है। और आपको जो दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि आप अभी देख रहे हो, ये जो मैंने पर्दा लगा रखा है, ये मैंने एकदम पर्दे के एकदम आगे बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आपको वो जब वाली वीडियो बनाओगे जिसका आपको बैकग्राउंड को ब्लैक करना है, तो वो आपको पर्दे के आगे आके वीडियो बनाना है। जी हाँ गाइज, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं आगे आ रहा हूँ, ठीक है, मैं एकदम आगे आ रहा हूँ, आप देख सकते हो, जो कि पर्दा थोड़ी दूर पे जा रहा है। ऐसे ही आपको लगभग 1 मीटर की दूरी रख लेना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ से आपको जो मतलब ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होगा उससे, और आप 1 मीटर के आगे खड़े होकर वीडियो बनाओ, जो भी आपको लिपसिंग करना हो सॉन्ग पे, जो भी आप इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो बनाते हो या आप रील्स पे, मतलब कहीं पर भी शॉर्ट वीडियो बनाते हो, बस आपको जो बैकग्राउंड है ब्लैक होना चाहिए और आपको आगे आके वीडियो को शूट कर लेना है। अब बाकी का प्रोसेस चलते हैं काइन मास्टर में, वहाँ पर चलने के बाद जो कि आपको एडिटिंग से करना है, तो काइन मास्टर में चलते हैं और वहाँ पर आपको बताने के लिए आ गए काइन मास्टर में। तो गाइस, आपके पास अगर काइन मास्टर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने वीडियो डाल रखी है, वीडियो की लिंक दे रखी है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके पास काइन मास्टर है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब चलिए, मैंने काइन मास्टर को ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे जाना है और यहाँ पे आपको 9:16 वाला रेशियो ले लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मीडिया पे जाना है और आपको वो वाली वीडियो ले लेना है, मतलब जो आपको बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड में शूट करी हुई वीडियो। तो चलिए मैं अपनी ले लेता हूँ, जो कि एक मेरी एक वीडियो थी ओल्ड, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने एक वीडियो ले ली। अब गाइज, मैंने एक गलती कर दी थी वीडियो बनाते समय, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई कि आपको गलती नहीं करना है। क्या है कि आपको जो आपका बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड और मैं एकदम करीब थे, मैंने एकदम बैकग्राउंड से चपक कर वीडियो बनाई। क्यों? क्योंकि गाइज, मेरा जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी छोटा था। अगर मैं मोबाइल को पीछे रख के वीडियो बना रहा था तो जो मेरा बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा बाहर का भी आ जा रहा था, बैकग्राउंड छोटा था, इसलिए मैंने नहीं करा। आपको बड़े बैकग्राउंड में वीडियो बनाना है, ब्लैक पर्दे में या कोई भी चीज़ हो, ब्लैक में बैकग्राउंड में बनाना है। और आपको क्या है, आपको मोबाइल तो दूर रखना ही है, उसके साथ साथ आपको भी दूर आना है, मतलब जो आपका पीछे बैकग्राउंड है उससे दूर, उस पर चपक कर मत वीडियो बनाना। उसके बाद का आगे का प्रोसेस देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड में वीडियो बनाओगे तो आपको बैकग्राउंड ब्लैक दिखेगा ही दिखेगा। अब आपको बिल्कुल ब्लैक करने के लिए देख सकते हैं, अभी मेरा अभी बिल्कुल आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, जो कि मैंने लगा रखा है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि बिल्कुल आप ब्लैक कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये काम जो मैंने दो स्टेप बताए ये आपको करना ही है। साथ में आपको यहाँ पे वीडियो को सबसे पहले ऐड करना है काइन मास्टर में, उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग करना है, वो सेटिंग है यहाँ पे जाना आपको कलर एडजस्टमेंट में। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे वीडियो को ऐड करोगे, वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन खुल जाएंगे, तो नीचे की तरफ स्लाइड करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर एडजस्टमेंट, तो जैसे ही आप यहाँ पे करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको 0:0 रहेगा, तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से बढ़ाना है, तो इसको यहाँ पे आप मत बढ़ाइए, ठीक है, ब्राइटनेस होता है ये एकदम बेकार हो जाएगा, ठीक है। जो बीच वाला है इसको आपको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं पीछे बिल्कुल ब्लैक हो गया। अगर मैं थोड़ा सा आगे करके वीडियो बनाता ना, थोड़ा सा आगे कर लेता ना, तो जो मेरे अभी हेयर दिख रहे हैं ना वो भी नहीं दिखते, एकदम ब्लैक में गायब हो जाते। तो आप देख सकते हैं पहले का रीज़न ये था, देख सकते हैं पहले एकदम 0:0, और जैसे ही मैंने ये बीच वाला बढ़ाया तो आप देख सकते हैं पीछे का केवल बैकग्राउंड देखिए,
एकदम ब्लैक होता चला जा रहा है, जबकि ये मैंने एकदम बेकार वीडियो, यह मैंने बहुत ही पहले वीडियो शूट करी थी, और एक तो ये मैंने एकदम बेकार वीडियो शूट करी थी और एकदम चपक कर बैकग्राउंड से वीडियो, और दूसरी चीज़ मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक भी नहीं था। आप देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड पे सफ़ेद सफ़ेद भी आ रहा है, तो इसलिए बिल्कुल ब्लैक नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जब इतनी गलती थी तब जाके मेरा इतना अच्छा जो कि पीछे का बैकग्राउंड हो रहा है। आपको बस जो मैंने दो स्टेप स्टार्टिंग में बताए वो आपको ध्यान रखना है, ब्लैक होना चाहिए आपका बैकग्राउंड, और दूसरी चीज़ आपको बैकग्राउंड से थोड़ा दूर होकर वीडियो को शूट करना है। आपने रियल कैमरे से शूट करिए, कोई मतलब फेक ऐप या कोई भी आप कैमरा मत डाउनलोड करिए, रियल कैमरे से शूट करिए जो आपके फ़ोन में हो, और उसके बाद यहाँ पे आप काइन मास्टर से आके अपना एडजस्टमेंट कर लीजिए। इसको बढ़ाने में अगर आपको फेस है इसमें कोई सफ़ेदी आ जाए तो आप यहाँ पे लास्ट थर्ड वाला करके यहाँ पे आप अपना सही भी कर सकते हो। तो इसी तरह से आप अपना बैकग्राउंड को ब्लैक कर सकते हो। तो गाइस यही थी मेरी वीडियो, अगर आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी चीज़ मुझसे पूछना हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पर आ जाओ, इंस्टाग्राम पर DM कर देना, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।